हे देयर, दिस इज कोड कैट 15। आज के सेशन में हम दो चेंजेस करने वाले हैं। सबसे पहला है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ऐड बटन है, और जैसे ही मैं इस ऐड बटन को टैप करूंगा तो हमारे सामने एक शीट अपियर होगा। इस शीट में हम नए टास्क का नाम और डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे, और जैसे ही हम ऐड बटन पे टैप करेंगे तो यहाँ पे हमने जो भी डिटेल्स ऐड की हैं वो हमारे होम व्यू के लिस्ट पे ऐड हो जाएंगी। व्हेन यू टैप ऑन कैंसिल तो ये जो शीट है वो डिसअपियर हो जाएगी। दूसरा चेंज है हमारे लिस्ट में। जैसे यूजर किसी भी टास्क आइटम को टैप करेगा तो उस टास्क की डिटेल्स उसके सामने आ जाएगी, और यूजर या तो टास्क को अपडेट कर सकता है, या तो उसे कंप्लीट मार्क कर सकता है, या फिर उस टास्क को डिलीट कर सकता है। और अगर यूजर को कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना है तो यूजर इस कैंसिल बटन को क्लिक करके फिर से होम व्यू पे आ सकता है। सो दीज आर द फंक्शनैलिटीज ऑफ टुडे सेशन, लेट्स बिगिन। डे टू में हमने क्या किया था कि हमने जो हमारा टास्क व्यू मॉडल है उसमें से जो भी हमें डेटा मिल रहा है उसे हमने सक्सेसफुली लिस्ट पे डिस्प्ले किया था। एंड नॉट ओनली दैट, ऑन द चेंज ऑफ दिस पिकर हम क्लोज्ड और एक्टिव टास्क दिखा रहे हैं। क्लोज्ड इज बेसिकली दोज टास्क विच आर कम्प्लीटेड, सो आई थिंक अ बेटर नेम वुड बी कम्प्लीटेड एज कम्पेयर टू क्लोज्ड। सो इसे चेंज कर देते हैं। सो नाउ वी हैव एक्टिव एंड कम्प्लीटेड। आज के सेशन में हम दो स्क्रीन्स ऐड करेंगे। पहला स्क्रीन होगा टू ऐड अ न्यू टास्क, और जो सेकेंड स्क्रीन है वो एग्जिस्टिंग टास्क को अपडेट करेगा। सो दैट बींग सेड, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा होम व्यू है उसे हम अपडेट करेंगे, और यहाँ पे हम एक प्लस बटन ऐड करेंगे, और उसे हम ऐड करेंगे विद द हेल्प ऑफ टूल बार। और उस प्लस बटन के क्लिक पे हम एक शीट डिस्प्ले करेंगे जहाँ पे हम नया टास्क हमारे लिस्ट में ऐड करेंगे। सो लेट्स ऐड दैट प्लस बटन ओवर हियर, एंड फॉर दैट लेट्स स्क्रॉल ऑल द वे डाउन, एंड ओवर हियर विल राइट टूल बार आइटम। जो प्लेसमेंट है इस टूल बार आइटम का वो हमारे नेविगेशन बार के राइट हैंड साइड में होने वाला है। सो फॉर दैट वी कैन यूज नेविगेशन बार ट्रेलिंग, एंड नाउ लेट्स ऐड अ बटन। हमारा जो लिस्ट है वो गायब हो गया है। सो समटाइम्स एस आई सेड इन द प्रीवियस सेशन कि जब भी आप कैनवस के साथ काम करते हो या फिर आप कोई नया यूआई एलिमेंट ऐड करते हो तो कैनवस कभी कभी थोड़ा सा वियर्ड बिहेव करेगा, एंड इफ इट डज दैट ऑल यू हैव टू डू इज गो टू अ डिफरेंट व्यू एंड देन कम बैक अगेन। सो अभी हमने क्या किया है कि हमने हमारे व्यू पे एक टूल बार ऐड किया है, एंड व्हेन आई क्लिक ऑन दैट प्लस बटन सो यू कैन सी एड टास्क व्यू इज प्रिंटेड। तो अभी हम क्रिएट करेंगे एड टास्क व्यू। सबसे पहले हम इसमें व्यू मॉडल को इंक्लूड करेंगे, सो वी आर गोइंग टू यूज द ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी रैपर। एंड द सेकेंड थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज जो टास्क हम ऐड करेंगे उसके लिए हम एक स्टेट प्रॉपर्टी रैपर क्रिएट कर रहे हैं। सो अलर्ट पार टास्क टू ऐड टास्क इज इक्वल्स टू And now let's create our view. So इसके लिए मैं list sections add करूंगा। This is going to be task detail, and this is going to be text field. अभी हम एक और सेक्शन क्रिएट करेंगे, एंड फॉर दिस विल यूज डेट पिकर। सो ये है हमारा एड टास्क व्यू। अब इस स्क्रीन में दो चीजें मिसिंग है, पहला है व्यू टाइटल और दूसरा है टूल बार। टूल बार में दो आइटम होने वाले, वन इज कैंसिल एंड द अदर वन इज गोइंग टू बी ऐड। तो जैसे ही मैं कैंसिल को टैप करूंगा तो ये जो शीट है ये डिसअपियर होगा, और अगर मैं ऐड को टैप करता हूं तो ऐड के टैप पे दो चीजें होनी चाहिए। पहला, यहां पे हम जो भी टास्क की डिटेल्स ऐड करेंगे वो हमारे सोर्स ऑफ ट्रुथ एरे में ऐड हो जाना चाहिए, और दूसरा ये जो शीट है वो डिसअपियर होना चाहिए सो दैट वी कैन सी द होम व्यू। तो सबसे पहले हम टाइटल ऐड करेंगे, एंड फॉर दैट लेट्स कट दिस। नेविगेशन स्टैक का यूज करेंगे हम लोग,
navigation title, add task. And now we'll add toolbar item. For some reason, placement is not coming. So let me add placement. और इसे मैं ऐड करूंगा नेविगेशन बार लीडिंग. और ये जो है होने वाला है हमारा कैंसिल बटन. अभी हम एक और टूल बार आइटम ऐड करेंगे. कोड को फॉर्मेट कर देते हैं. अभी मैं क्या करना चाहता हूँ कि होम व्यू का जो ऐड बटन है जो हमने अभी अभी ऐड किया है उसके क्लिक पे मुझे हमारे ऐड टास्क व्यू को डिस्प्ले करना है. एंड टू डू दैट वी कैन यूज समथिंग कॉल्ड एज शीट. सो ओवर हियर आई विल राइट शीट इज प्रेजेंटेड. अभी जो इज प्रेजेंटेड एक बाइंडिंग एक्सेप्ट करता है. लेकिन अब यहां पे थोड़ा सा हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा. जो हमारा टास्क व्यू मॉडल है दिस इज ऑफ द टाइप ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट. और अभी हम क्या कर रहे हैं कि जो हमने टास्क व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट यहां पे क्रिएट किया है दैट इज इनसाइड द होम व्यू उसे हम पास कर रहे हैं एक चाइल्ड व्यू में विच इज एट टास्क व्यू. अगर आपके पेरेंट व्यू में एक व्यू मॉडल है जिसे आप आपके चाइल्ड व्यू में पास करना चाहते हो तो प्लीज मेक श्योर कि पेरेंट व्यू का जो व्यू मॉडल है इट इज नॉट ऑफ द टाइप ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट. इट इज ऑफ द टाइप स्टेट ऑब्जेक्ट. यहां पे स्टेट ऑब्जेक्ट का यूज करके हम स्विफ्ट यूआई को यह बता रहे हैं कि ये जो टास्क व्यू मॉडल है इसे होम व्यू ने क्रिएट किया है एंड होम व्यू इज द राइटफुल ओनर. और जो बाकी के चाइल्ड व्यूज हैं जहां पे हम इस टास्क व्यू मॉडल को पास करेंगे दे आर नॉट द ओनर. स्टेट ऑब्जेक्ट बहुत ही सिमिलर है एज कम्पेयर टू ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट बट ओनरशिप इज वन ऑफ द की डिफरेंसेज. अब इस की डिफरेंस को हम किसी और वीडियो में डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे बट फॉर नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द कोर्स. सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि जैसे ही हमारा प्लस बटन क्लिक होता है विच इज ओवर हियर तब हमें ऐड टास्क व्यू को शो करना है. तो चलिए इसे टैप करते हैं एंड देयर यू गो. अब कैंसिल के क्लिक पे हमें इसे डिसमिस करना है. आप इसे ऐसे भी डिसमिस कर सकते हो लेकिन यूजर को एक और ऑप्शन मिलना चाहिए टू डिसमिस दिस व्यू. एंड फॉर दैट ये जो स्टेट प्रॉपर्टी रैपर है विच इज एक्चुअली अ बाइंडिंग ओवर हियर इस बाइंडिंग को हमें ऐड टास्क व्यू में एज अ पैरामीटर पास करना पड़ेगा. सो फॉर दैट we can use the binding property wrapper. अब यहां पे बहुत सारे डेवलपर्स एक गलती कर देते हैं कि जब भी वो बाइंडिंग पास करते हैं तब वो यहां पे डॉलर साइन को मिस कर देते हैं. सो प्लीज मेक श्योर कि जब भी आप बाइंडिंग पैरामीटर पास कर रहे हो तब आप इस डॉलर साइन को सबसे पहले ऐड कर रहे हो. अब सिर्फ बाइंडिंग ऐड करके कुछ नहीं होने वाला है, हमें ऐड टास्क व्यू में उसका यूज भी करना पड़ेगा. तो यहां पे विल राइट शो ऐड टास्क व्यू इक्वल्स फॉल्स. सो अभी हम यहां पे क्लिक करेंगे कैंसिल वर्क्स फाइन. अभी हम ऐड करेंगे टास्क डिटेल व्यू को. जो हमारा टास्क डिटेल व्यू है वो एज इट इज एट टास्क व्यू की तरह दिखेगा एंड द ओनली डिफरेंस इज कि टास्क डिटेल व्यू में हम एडिशनल दो कंपोनेंट ऐड करेंगे. लेट्स कॉपी दिस. नाउ इन केस अगर आपको ये डायरेक्ट असाइनमेंट पसंद नहीं आती है तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज टॉगल. नाउ प्लीज नोट कि ये जो टास्क डिटेल व्यू है ये तब प्रेजेंट होगा जब हम हमारे होम व्यू के किसी भी आइटम को टैप करेंगे और जिस आइटम को हमने टैप किया है यानी जिस टास्क को हमने टैप किया है हमें सिर्फ उसी टास्क की डिटेल इस टास्क डिटेल व्यू में दिखनी चाहिए. सो हम होम व्यू से एक पर्टिकुलर डेटा इस टास्क डिटेल व्यू में पास करेंगे एंड फॉर दैट वी हैव टू यूज बाइंडिंग.
सो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक टॉगल ऐड करेंगे हम एक और सेक्शन ऐड करेंगे यहाँ पे सो दिस इज टास्क डिटेल व्यू। अब यहाँ पे एक चीज को मुझे इम्प्रूव करना है, दैट इज दिस मार्क कंप्लीट। इसे जो बाइंडिंग असाइन हुई है, इसकी प्रॉपर्टी है इज एक्टिव, तो ये कहीं ना कहीं रीडेबिलिटी को इम्पैक्ट कर रहा है। एंड द पर्पस ऑफ दिस टॉगल इज कि अगर यूजर को ये टास्क कंप्लीट करना है तो यूजर इस टॉगल को ऑन कर सकता है एंड देन द यूजर कैन अपडेट द टास्क। सो ओवर हियर अपडेट आना चाहिए, बट दिस इज ए कॉपी पेस्ट मिस्टेक, सो इसे इम्प्रूव कर देते हैं। तो इस प्रॉपर्टी का नेम चेंज कर देते हैं फ्रॉम इज एक्टिव टू इज कंप्लीटेड, जस्ट टू हैव बेटर रीडेबिलिटी। सो इनसाइड टास्क इज कंप्लीटेड फॉल्स, क्योंकि ये एक्टिव टास्क है और सिर्फ एक ही टास्क कंप्लीट हुआ था, दैट इज ऑफिस वर्क, तो इसे हम ट्रू सेट कर देंगे। एंड इनसाइड अवर व्यू मॉडल वी विल जस्ट ऐड दिस, और इसका रीजन ये है कि चलो पहले इसे डिलीट कर देता हूँ, इसका रीजन ये है नॉट ऑपरेटर ऐड नहीं करता हूँ। तो लुक एट दिस, एक्टिव की जगह पे वो टास्क आ गया है जो कंप्लीटेड है और कंप्लीटेड की जगह पे वो टास्क हैं जो एक्टिव है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दिस पैरामीटर। सो फॉर नाउ आई जस्ट ऐड दिस। एंड प्लीज नोट कि जब भी हम कोर डेटा के साथ काम करेंगे तो व्यू मॉडल में जो भी हम कोड अभी ऐड करने वाले हैं वो सारा का सारा कोड डिलीट होने वाला है। नाउ लेट्स गो बैक टू द टास्क डिटेल व्यू, और अभी जब मैं इस स्टेटमेंट को रीड करता हूँ, टॉगल मार्क कंप्लीट सेलेक्टेड टास्क इज कंप्लीटेड, तो दिस इज मोर रीडेबल। और अगर आप यूआई पे भी देखते हो तो ये जो जिम का टास्क है दैट इज एन इनकम्प्लीट टास्क, तो ये जो टॉगल है ये राइट स्टेट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो अभी हमें क्या करना है कि ये जो टास्क डिटेल व्यू है इसे हमें शो करना है, और इसे हम कब शो करेंगे, इसे हम तभी शो करेंगे जब हमारा यूजर इस लिस्ट में से किसी भी एक आइटम को टैप करेगा, तो जो सेलेक्टेड आइटम है उसे हम टास्क डिटेल व्यू पे शो करेंगे। और टास्क डिटेल व्यू को भी हम शीट स्टाइल में शो करने वाले हैं, तो जो कोड हमने ऐड टास्क व्यू के लिए किया था वो सेम कोड हम टास्क डिटेल व्यू के लिए भी करेंगे। सो यहाँ पे हमें अभी दो प्रॉपर्टी रैपर क्रिएट करने पड़ेंगे, द वेरी फर्स्ट इज स्टेट प्राइवेट वार। हमें एक और प्रॉपर्टी रैपर क्रिएट करना पड़ेगा एंड दैट विल बी सेलेक्टेड टास्क। इस सेलेक्टेड टास्क को हम डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज करेंगे एंड देन ओवर हियर यहां पे जो वी स्टैक है जिसके अंदर हमारा रो है उसके टैप जेस्टर पे हमें कोड लिखना है। तो सबसे पहले जो सेलेक्टेड टास्क है दैट इज गोइंग टू बी टास्क एंड देन शो टास्क डिटेल व्यू, इसे टॉगल कर देते हैं। लेट्स कॉपी दिस पेस्ट। और अब जब मैं इसे टैप करता हूँ, लेट मी टैप ऑन कार वॉश, तो आप देख सकते हो कि जो टास्क की डिटेल्स हैं वो हमारे डिटेल स्क्रीन पे आ गई हैं। सो लेट्स कैंसिल दिस। परफेक्ट। अब हो सकता है कि कुछ डेवलपर्स के मन में ये सवाल आ रहा हो कि जो टास्क डिटेल व्यू है वो एज इट इज एट टास्क व्यू की तरह दिखता है, एंड द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे हमने एक टॉगल ऐड किया है और एक अलग से सेक्शन ऐड किया फॉर डिलीट। तो ये सेम चीज हम एड टास्क व्यू के अंदर भी कर सकते थे बाय एडिंग कपल ऑफ इफ स्टेटमेंट्स। तो हमने वो अप्रोच क्यों नहीं लिया, एंड द रीजन फॉर दैट इज माय ओन पर्सनल प्रेफरेंस। और ये पर्सनल प्रेफरेंस इसलिए है क्योंकि मैं एक व्यू पे मल्टीपल रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं देना चाहता। कई बार ऐसा होता है कि डेवलपर्स रीयूजेबिलिटी के नाम पे एक व्यू में मल्टीपल चीजें ऐड कर देते हैं, लेकिन ऐसा करने से वो कोड की रीडेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं, जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। तो इसी वजह से मैं अपने व्यूज को हमेशा लाइट वेट रखता हूँ। अगर आप एक व्यू में मल्टीपल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को ऐड कर रहे हो तो प्लीज बी वेयर कि इससे आपका कोड रीडेबल और मेंटेनेबल नहीं होगा।
सेशन के स्टार्ट में मैंने ये कहा था कि आज हम ऐड और अपडेट की फंक्शनैलिटी को कंप्लीट करेंगे, बट आई थिंक आज के लिए हमें यहाँ पे ही रुक जाना चाहिए और ऐड और अपडेट की फंक्शनैलिटी को नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लोर करना चाहिए। सो दैट विल बी ऑल फॉर डे 3। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। स्टेट ऑब्जेक्ट वर्सेस ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट, इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा सो दैट वी नो द डिटेल्ड डिफरेंस बिटवीन देम। टिल देन दिस इज रवि, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी आई कोडिंग। बाय बाय।